हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे मुँ मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्टपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोतरस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्टपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोतरस्त श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराजिंकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहेतुकी कृपा भिक्षा करुछि। तत्पश्चात समस्त भक्तवृंद मातृवृंदों को मोर यथाजोग्य प्रणाम। आम मैने धारावाहिक भाव श्रवण करुछंती भक्ति सम्बन्धरे। ए भक्ति होच अत्यंत सुदुर्लभ एवं भक्ति माध्यम रे भगवान को हम प्राप्त करी परिवा। ए भक्ति राज्य रे प्रवेश करिया पूर्वरु हमको शरणागति रूपक द्वार दे जीवक पड़िबो। एक कथा हम श्रवण करले आज हम श्रवण करिवा ते भक्ति कौन, भक्तिर अर्थ कौन, भक्तिर संज्ञा कौन, विभिन्न शास्त्र रे कहा को भक्ति बोली कहा जाए छि, एवं सबुठ श्रेष्ठ भक्ति कौन, सबुठ उत्तम भक्ति कौन। ए भक्ति संबंध यदि आम आमर वैदिक शास्त्र मान को अध्ययन करिबा, आमे सांडिल्य भक्ति सूत्र अच्छी, नारद पंचरात्र अच्छी, एभले अनेक शास्त्र रे भक्ति संबंध रे व्याख्या कराई। ए सांडिल्य भक्ति सूत्र रे गोटे सूत्र दिया जाए भक्ति संबंध रे, ता अर्थ को सूत्र दिया जाए भक्ति सा परानुरक्ति स्वरे, अर्थात भक्ति होची सही जिनस जहाँ द्वारा ईश्वरों ठारे भगवान ठारे आमर परा अनुरक्ति हो। अनुरक्ति अर्थात आसक्ति, परा माने श्रेष्ठ, बेस्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट डिवोशन टुवर्ड्स दि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान प्रति ईश्वर ठारे आमर जो परानुरक्ति भाव रिश्ता होची भक्ति। बर्तन प्रश्न उठुची ए परानुरक्ति भाव तो अनेक जन पाखर अच्छे, किंतु से परानुरक्ति भाव जो भगवान ठारे हवा उचित
से शरीरर नुहे ये शरीरर भाव केवल भगवान प्रति आम शरीर भगवान प्रणाम कले आम आक्टिंग कले शरीर क्रिया द्वारा सिना कले कि वास्तव में ये परानुरक्ति भाव आत्मार हवा दरकार कारण ये संसार रे जेतिकी जगत रे संबंध रही ये संबंध देखा जाए अनेक घनिष्ठता आम परिवार रे संबंध गोटे प्रेमिक प्रेमिका मध्य संबंध एवरी अनेक संबंध देखा जाए अत्यंत घनिष्ठता आउ अनुरक्ति भाव देखा जाए किंतु एहाकु भक्ति पर्याय मुक्त करिहबनी ता कारण कौन ता कारण हूँ ये आत्मार संबंध नुहे आ भगवान पाखर जो अनुरक्ति भाव रही परानुरक्ति भाव रही आत्मार भगवान सहित संबंध तेणु ये हूँ आध्यात्मिक जगतर कथा आम देखती जे महान भक्त बिल्वमंगल ठाकुर जी कि भगवान जड़े महान भक्त थी तांकर पूर्व जीवन रे एबुल देखा जाए से चिंतामणि नामक जड़े बेश्यांक प्रति अत्यंत आसक्त थी एभली आसक्त थिले ते चिंतामणि बेश्या ता निजर बिल्वमंगल ठाकुर किछि भ्रुक्षेप नकरी जिमिति जाकि पहुँच जाऊ प्रीतांकर श्राद्ध दिन घड़घड़ी वर्षा एवं एते ऊंचा प्राचीर को बाउंड्री को डेईं सापर आश्रय नहीं कठिन तार संभावना करी से किमिति जाकि चिंतामणि बेश्यांक पाखे पहुँची इटा हूँ आसक्ति अनुभक्ति भाव किंतु ये शारीरिक आसक्ति सेतेपाई ए आसक्ति ए अनुरक्ति भाव बेसी दिन रहिलानी दिने ए संबंध तांकर चिंतामणि बेश्या सहित जो संबंध ए संबंध छिन्न हो जाइतिला किंतु संसार रे ए जितिके संबंध ए संबंध होची पारिवारिक संबंध बा कहि परंत जे कोनोसी पारस्परिक स्वार्थ पर आधारित स्वार्थ युक्त संबंध सेल्फिश डिजायर सेल्फिश मोटिव रही संबंध हूँ सब कौन सी पारस्परिक स्वार्थ आउ आवश्यकता आमर आवश्यक अच्छी दरकार अच्छी तो संबंध जोड़ पुणी आवश्यकता पूरा होगा पर संबंध विच्छेद हो जाए किंतु आत्मार जो भगवान सहित जो संबंध आत्मार भगवान प्रति जो अनुरक्ति भाव शिवचि परानुरक्तिश्वर भाव ए कथा सांडिल्य भक्ति सूत्र रे कुहागला सा परानुरक्तिश्वर आमने श्रवण कले सांडिल्य भक्ति सूत्र रे भक्ति संबंध रे जो संज्ञा दिया जाइछि भक्ति सा परानुरक्तिश्वर आत्मार भगवान का सहित जो अनुरक्ति भाव ताकु भक्ति कह जाए ये तथाकथित तो जगत रे जेतिकी संबंध रही सी कौन सी पारस्परिक स्वार्थ पर आधारित कौन सी शर्त पर आधारित कौन सी आवश्यकता रही नीड रही कि तो ये सब संबंध वास्तविक संबंध नुहे बाकु भक्ति कह भक्ति पर्याय अंतर्भुक्त करहब ना बर्तमान आम श्रवण करवा श्री नारद पंचरात्र जी की एक अनन्य भक्ति ग्रंथ भक्ति शास्त्र नारद पंचरात्र रे भक्ति संबंध एक सुंदर संज्ञा दिया जाए जी कौन सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्ति उच्यते सर्व उपाधि विनिर्मुक्त सब प्रकार तथा कथित उपाधि ए जगतर उपाधि जगतर उपाधि माने जो इस शरीर जो आइडेंटिटी
शरीर संबंधित जति प्रकार परिचय एथुरु आमको मुक्त होक पड़िबो अर्थात आमे जे भगवान कर अंशविशेष आत्मा एभले भावरे आमे एभले निर्मल भावरे अवस्थान करी ऋषिकेण ऋषिकेशम आमर इंद्रिय मानंक द्वारा आमर जो चेष्टा द्वारा ऋषिकेशम भगवान कर सेवा करिवा को भक्ति कहा जाए एवं ए भक्ति एथिरे मुख्य जिनस होची कृष्ण बा भगवान कर पाई ही उद्दिष्ट हवा दरकार ए सेवा कहा को आजु करा जीव ना भगवान को पाई भगवान कृष्ण को पाई यदि भगवान कर सेवा को प्राधान्य न दिया जीव तेबे आ भक्ति हो ना एभले भगवान कर लीला रे देखा जाए यद्यपि कृष्ण साक्षात भगवान किंतु माँ जशोदा तांकु केवल भगवान बोली मन करू नथिले माँ जशोदांक निकटरे सी थिले एकमात्र तांकर अत्यंत गेल्हा पुओ अत्यंत अलीअली गेल्हा पुओ सीले कृष्ण कान्ह जशोदांकर बात्सल्य प्रेम सेटा भक्ति से बात्सल्य प्रेम जगु से कृष्ण को सेवा करुथले बात्सल्य प्रेम रे बात्सल्य भाव रे सेउज तांकर भक्ति थिला किंतु एभळी बात्सल्य भाव मा जशोदांकर दे कृष्ण को रक्षा करिया पें कृष्णंकर शरीर सुरक्षा पई ब्राह्मण मानंक द्वारा मंत्र पाठ करुथले सुरक्षा कवच पाठ करुथले से ब्राह्मण मान जो मंत्र पाठ करुथले सीथला कृष्णंकर नाम भगवान को नाम द्वारा भगवान को रक्षा करा जाउछ ये थिला लीला कितु मां जशोदा जा करुथले एको कोन भक्ति कहा जीव ये सर्वोत्तम भक्ति ता कारण होची से कृष्ण को पाई करुथले तांकर समस्त चेष्टा मां जशोदांकर जति की चेष्टा सब थिला कृष्ण तात्पर्य मूलक एकमात्र कृष्णंकर प्रीति विधान तांकरी पाई करुथले दिन राती जति की सेवा करुथले सेबली सची माता गौरांग महाप्रभु कर माता यद्यपि गौरांग महापुरुष साक्षात कृष्ण साक्षात भगवान थिले तबले सचिनंदन गौर हरि मात्र 6 दिन रहितिले तांक पई षष्ठी पूजा कराइतिला सची माता करथिले षष्ठी पूजा रे तात्पर्य कोन पई कारण डाकिनी साकिनी भूत प्रेत पिशाचन कर भय रक्षा करिया पई जो भगवान को नाम रे सब प्रकार भय चली जाए तांक पई पुन सुरक्षा पई पुन पूजा ता कारण बात्सल्यमय मां से भगवान कर माता हेले भी तांकर बात्सल्य ममता एते जे से तांक पुत्र को भगवान बोली मानु नहंती किंतु तांकर समस्त चेष्टा भगवान पई थिला समस्त चेष्टा कृष्णंग पई थिला गौरांग पई थिला सेति पई यदि आमर समस्त चेष्टा एकमात्र कृष्ण तात्पर्य मूलक हब तबे से हि जीव भक्ति सब प्रकार जागतिक उपाधि रु मुक्त हि मु कृष्णंकर कृष्ण मोर एभळि ममत्व भाव द्वारा केवल मात्र कृष्णंक सेवा करियाकु भक्ति कुहा जे इतला नारद पंचरात्र रे भक्ति संबंध रे संज्ञा आमन श्रवण कले सांडिल्य भक्ति सूत्र श्री नारद पंचरात्र ग्रंथ रे जो भक्ति संबंध रे चमत्कार व्याख्या दिया जाई छे एवं श्रवण करिबा जे सबुठ उत्तम श्रेणी रे भक्ति कहा कुहा जाए श्रील रूप गोस्वामी पाद जे कि पूर्ण रूप रे भगवान कर पूर्ण कृपा प्राप्त ए जगत रे भक्ति को प्रचार करिया पाई पूर्ण सत्यावेश अवतार जे कि श्रील रूप गोस्वामी पाद श्रील रूप गोस्वामी तांकर प्रसिद्ध भक्ति रसामृत ग्रंथ रे
ଭକ୍ତିର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ। ଏଇ ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତି କାହା କୁହାଯାଏ। ସେ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା। ଏ ସଂଜ୍ଞାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଉନ୍ନତ, ଏକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ ମାସ ମାସ ଲାଗିବ। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ତା ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଭକ୍ତି ସେଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ଛାଡ଼ି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ, ଏ ଅଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କ୍ରିୟା, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଥିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ଥିବନି, ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ତା ଶୂନ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ଭକ୍ତିର କ୍ରିୟା ବା ଚେଷ୍ଟା ସିଏ ଆବୃତ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଭାବ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ରହିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଭକ୍ତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆନୁକୂଲ୍ୟନ, ସେଥିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ନଥିବା ଦରକାର। ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଭାବ ନଥିବା ଦରକାର। ଆନୁକୂଲ୍ୟନ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନମ ଶୀଲ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା, ଅନୁଶୀଳନ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବା ଭକ୍ତି କରିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଆନୁଗତ୍ୟମୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ରହିଲା, କାୟିକ ମାନସିକ ବାଚିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମନରେ, ଏ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଚେଷ୍ଟା ଅପରାଧ ରହିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧମୂଳକ ଭାବ, ଅପରାଧ ମାନେ ସେଇ ଭାବ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରୀତିକୁ କମ୍ କରିଦେବ, ସେ ହେଉଛି ଅପରାଧ। ସେବା ଅପରାଧ, ନାମା ଅପରାଧ, ଧାମା ଅପରାଧ, ଆଜି ଅପରାଧ ରହିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନୁଶୀଳନମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନୁଗତ୍ୟମୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ଭକ୍ତି? ଇଏ ଆନୁଗତ୍ୟମୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିତ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ, ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନୁଶୀଳନମ, କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନାବୃତ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ, ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ, ବିରୋଧୀ ଭାବ,
अपराध रहित हे कृष्णंकर प्रसन्नता पाई जेतिक प्रकार चेष्टा काय मन वाक्य द्वारा शिफुनि सद्गुरुंकर अनुगत्य रे सद्गुरुंकर अनुगत्य ग्रहण करी जदि आम एभली भार भक्ति करिवा से भक्ति होची सर्वोत्तम भक्ति आम आगामी दिन रे ए भक्ति को विशेष भाव रे विभिन्न उदाहरण द्वारा उपाख्यान द्वारा और सुंदर भाव रे बुझा को चेष्टा करिवा तेबे जाय आम शुद्ध भक्ति राज्य रे प्रवेश करी परिवा। तो आज मु भक्ति संबंध रे भक्तिर संज्ञा संबंध रे एति कही मोर वक्तव्य को मु एठारे विराम दूछी। हरे कृष्ण।